भारत को फाइनल जिताने वाला टीम इंडिया का अकेला शेर, जिसने मैदान में मचाया कोहराम, तो कप्तान शिखर धवन ने सिर झुकाकर किया सलाम, जिसके आगे साउथ अफ्रीका की टीम चारों खाने चित हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले की, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 60 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 99 रनों पर औंधे मुंह गिर पड़ी। इस दौरान भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए। अपने शबाब पर गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव को देखकर खुद कप्तान शिखर धवन एक अनोखे अंदाज में उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2022 पूरी तरह से कुलदीप यादव के नाम रहा। इस साल की शुरुआत में आईपीएल के सीजन में कुलदीप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे। अगर उनकी टीम प्लेऑफ तक का सफर तय करती तो वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन जाते। इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और अपना कहर जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कुलदीप सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी मैच में अपने चरम प्रदर्शन पर आए और अपने कोटे के 4.1 ओवर में उन्होंने मात्र 18 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। इस दौरान जब उन्होंने अपना तीसरा और दक्षिण अफ्रीका की पारी का 9वां विकेट झटका, तो कप्तान शिखर धवन ने उनकी ओर बाहें फैलाते हुए अपना सर झुका लिया और कुलदीप यादव की सराहना की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके साथ ही बात की जाए मैच की, तो टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला हर तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में गया, क्योंकि निर्णायक मैच में मेहमान टीम सिर्फ 99 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने हासिल किए। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद और मोहम्मद सिराज के खाते में 2-2 विकेट आए। दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में कप्तानी कर रहे डेविड मिलर 32 रनों की पारी खेल कर गए, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए कोई भी बल्लेबाज लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाया। वहीं 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने इस मुकाबले को 60 विकेट से अपने नाम कर सीरीज भी अपने नाम कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।